स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे सी आई वी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग अपने बी एफ एम के मॉड्यूल सी के नेक्स्ट यूनिट को पढ़ने वाले हैं, जो कि बेस्ड है हमारा फंडिंग एंड रेगुलेटरी आस्पेक्ट पे बेस्ड। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है, ये इस टॉपिक में पूरा पूरा थ्योरी भरा हुआ है और हम लोग एक एक पॉइंट को इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। बेसिकली मैं जो ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, ये जस्ट मैक्यूलन बुक का ही सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप यदि बुक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये सब बीच बीच में आपको मिलेगा लिखा हुआ। तो मैंने उसी बुक में से कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसे मैं लेकर आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं नैरो मनी से। तो दोस्तों, नैरो मनी यानी कि M1, नैरो मनी आप लोग जानते होंगे, उसे हम लोग M1 कहते हैं। तो M1 के अंदर क्या क्या आता है, तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर आप लोगों को एक लिंक दे रहा हूँ, चैनल का एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसे आप लोग एक बार देखें, ताकि M1, M2, M3 और M4 का मैंने कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस किया है वहाँ पे, तो वो क्लियर हो जाएगा आपको। तो बेसिकली नैरो मनी यानी कि M1 के अंदर देखिए क्या क्या आता है। सबसे पहला जो चीज़ आता है वो है करेंसी इन सर्कुलेशन, दूसरा है हमारा डिमांड लायबिलिटी ऑफ बैंक, और तीसरा है हमारा अदर डिपॉजिट विद RBI। तो ये हमारा नैरो मनी है, यानी कि जो पैसा पब्लिक के पास है, ठीक है, और जो पैसा बैंक में है, तो ये सब के सब हमारे किस में आते हैं, नैरो मनी में आते हैं। तो जैसे जो आप देख सकते हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड लायबिलिटी ऑफ बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, तो ये है हमारा नैरो मनी। अब बात करते हैं हम लोग ब्रोड मनी की। ब्रोड मनी क्या होता है दोस्तों, ब्रोड मनी M3 होता है। तो M3 में देखिए क्या क्या आता है, M3 में M1 तो आएगा आएगा, साथ ही साथ टाइम डिपॉजिट आ जाता है, टाइम लायबिलिटीज आ जाता है। तो देखिए M1 तो रहेगा ही रहेगा, आपको पता होगा, मैंने आप लोगों को एक माइंड मैप बताया था उस लेसन में, तो आप लोग माइंड मैप से अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। तो फिलहाल आप लोग इस चीज़ को नोट कर लें कि ब्रोड मनी यानी कि M3 में आपका करेंसी इन सर्कुलेशन आएगा, और साथ ही साथ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज आएगा बैंक का, और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट आएगा। चलिए अब देखिए, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, आखिर नैरो मनी और ब्रोड मनी का कंसेप्ट का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ऐसा देखा गया है कि जो M3 है हमारा, यानी कि जो ब्रोड मनी है, वो 3-4 गुना होता है M1 से, ठीक है। यानी कि M1 यदि हमारा 4 है, तो M3 हमारा हो जाएगा 12 या 16, ठीक है। तो ये नोटिस किया गया है कि M3 इज 3 to 4 times देन M1। तो अब देखिए RBI क्या करती है, RBI जो है मनी को इम्पाउंड करती है, ठीक है, टू रिड्यूस मल्टीप्लायर। देखिए यहाँ जो ये जो इफेक्ट है ना दोस्तों, ये 3-4 times का, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे हम लोग, मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट एक तरह से डिसएडवांटेज है हमारे हमारे मॉनिटरी सिस्टम के लिए। तो RBI का काम क्या है कि इस मल्टीप्लायर इफेक्ट को रिड्यूस करना। तो इसको रिड्यूस करने का जो टूल है वो है CRR और SLR, ठीक है दोस्तों। मल्टीप्लायर इफेक्ट को रिड्यूस करने का जो टूल है वो है हमारा CRR और SLR। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि CRR क्या होता है और SLR क्या होता है, जो कि इस टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, CRR को हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो जो अभी जो प्रेजेंटली है वो है 3% ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, DTL कहते हैं इसे शॉर्ट में हम लोग। सो कैश रिजर्व रेशियो, प्रेजेंट कैश रिजर्व रेशियो इज 3% ऑफ DTL, यानी कि डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो फ्रेंड्स देखिए है क्या कि बैंकों को कैश बैलेंस मेंटेन करना होता है, कितना, 3% ऑफ DTL, किससे, RBI के पास। मतलब अपना अपना टोटल DTL का, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का, आखिर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है इसे हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी फिलहाल आप लोगों को ऐसे समझे कि अपने DTL का 3%, अभी 3% है दोस्तों, अभी करंट जो रेट है, आज का जो रेट है 9 मई का, वो है 3%, ठीक है। तो 3% DTL का बैंकों को कैश बैलेंस मेंटेन करना होगा, किसके साथ, RBI के पास। चलिए ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि देयर इज़ नो मिनिमम एंड नो सीलिंग लिमिट, इसमें कोई मिनिमम नहीं है और ना ही कोई सीलिंग लिमिट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3% ही करना है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, ना ही कोई मिनिमम लिमिट है, ना ही कोई सीलिंग लिमिट है। तीसरा पॉइंट है कि नो इंटरेस्ट इज पेड बाय RBI, RBI जो है कोई इंटरेस्ट को पे नहीं करेगी, ठीक है। मतलब यदि आप बैंक जो है पैसा जमा कर रही है, उस सर्टेन अमाउंट जमा कर रही है RBI के पास, तो ये एक्सपेक्ट नहीं करेगी बैंक कि मुझे उस पर ब्याज मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए चौथा पॉइंट है हमारा कि नॉन मेंटेनेंस ऑफ CRR अट्रैक्ट्स पेनल्टी। कितना का पेनल्टी होता है, 3% का पेनल्टी होता है, एफ ऑफ बैंक रेट। पहला दिन का 3% है और उसके बाद सेकेंड डे से 5% है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ कैलकुलेटेड एट फॉर्टनाइटली एवरेज। फॉर्टनाइटली तो जानते होंगे 14 दिन, तो 14 दिन में जितना पैसा रखा गया इस पर्पस से, उसका एवरेज निकालते हैं हम लोग, और उस बेसिस पे हम लोग CRR को कैलकुलेट करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है सीआरआर के पर्सपेक्टिव में, वो ये है कि जो डेली कैश बैलेंस है वो 95% से नहीं फॉल होना चाहिए। आइए इसे समझते हैं क्या आप कहने का मतलब है। जैसे कि मान लीजिए कि अमाउंट जो रिक्वायर्ड है वो है आपका 4 लाख, ठीक है दोस्तों, 4 लाख अमाउंट रिक्वायर्ड, या 1 लाख मान लीजिए अमाउंट रिक्वायर्ड है सीआरआर में, ठीक है, मेंटेन करना है। तो डेली जो है 95,000 से कम पैसा नहीं होना चाहिए, 95,000 मिनिमम रखना ही होगा उस बैंक को, ये कहना चाह रहा है ये। चलिए, तो ये था हमारा सीआरआर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार रिव्यू कर लें एकदम क्विक क्विकली। तो हम लोगों ने ये सीखा कि ये जो है डीटीएल का परसेंटेज होता है, इसका कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा, और यदि मान लीजिए पेनल्टी है तो 3% पहला दिन में और 5% दूसरा डे में, और उसके बाद ये फॉर्टनाइटली एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल की, जो कि है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी ये शॉर्ट में से हम लोग SLR कहते हैं। तो SLR जो प्रेजेंट है अभी के डेट में वो है 18% ऑफ DTL, यानी कि अपने डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का 18% है। तो फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि बैंक्स हैव्स टू मेंटेन लिक्विड फंड्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड अनइनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट द रेट 18% ऑफ DTL। तो अभी हमने सीआरआर में क्या देखा, सीआरआर में जो हमने देखा कि उसको कैश बैलेंस मेंटेन करना होता है, लेकिन यहाँ SLR में क्या है कि लिक्विड फंड मेंटेन करना है, या तो कैश में होगा, या गोल्ड में होगा, या अनइनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होगा, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म में होगा, कैश में होगा, या गोल्ड में होगा, या अनइनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होगा, और वो कितना होगा, 18% ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी होगा, ठीक है, 18% ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी होगा। इसका कोई फ्लोर लिमिट नहीं है, इसका कोई बॉटम लिमिट नहीं है, लेकिन सीलिंग लिमिट है दोस्तों, इसका कितना है, 40%, ठीक है। इट हैज़ नो फ्लोर लिमिट, हाउएवर इट हैज़ सीलिंग लिमिट ऑफ 40%। अब फिर से वही बात, हमने ये देखा था सीआरआर में केस में कि यदि मान लीजिए नॉन मेंटेनेंस है सीआरआर का, तो पेनल्टी 3% होगा पहले दिन में और 5% होगा दूसरे दिन में। तो उसी तरह यहाँ भी वही चीज़ है, पहला दिन में 3% होगा पेनल्टी और दूसरा दिन के बाद 5% होगा, ठीक है, पेनल्टी। तो यदि मान लीजिए कि कोई बैंक यदि कॉम्प्लाई नहीं करती है हमारे SLR के रिक्वायरमेंट से, तो उसे 3% पेनल्टी देना होगा पहले दिन में और 5% पेनल्टी देना होगा दूसरे दिन में। अब हमने CRR में क्या देखा था दोस्तों, वो फॉर्टनाइटली बेसिस पे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। यहाँ पे जहाँ तक बात है SLR की, तो ये लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकेंड प्रिसीडिंग फॉर्टनाइट को कैलकुलेट कंप्यूट किया जाता है। तो दोस्तों, बस इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है CRR और SLR के बारे में, क्वेश्चन यदि पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ DTL के। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि DTL के हमारे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा जो DTL है, जो कि DTL को हम लोग फुल फॉर्म है, हमारा DTL का फुल फॉर्म है डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। तो डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी में क्या क्या चीज़ आता है, आइए देखें इसे हम लोग। सबसे पहला है हमारा डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, मार्जिन मनी फॉर LC और ओवरड्यूज FD, ठीक है, जो FD ओवरड्यू हो गए हैं, तो ये सब हमारा डिमांड डिपॉजिट है। मतलब DTL डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, जैसा नाम में ही क्लियर है, डिमांड लाइबिलिटी भी होगा और टाइम लाइबिलिटी होगा। तो डिमांड लाइबिलिटी के परस्पेक्टिव में डिमांड डिपॉजिट है हमारा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, मार्जिन मनी फॉर LC एंड ओवरड्यूज FD, और टाइम, उसके बाद टाइम लाइबिलिटी में क्या क्या होगा, FD होगा, RD होगा, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या होगा, ओवरसीज बोरोइंग होगा, और फाइनली क्या होगा हमारा, फॉरेन आउटवार्ड रिमिटेंस इन ट्रांजिट। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये बेसिकली DTL का कॉन्स्टिट्यूएंट है। एक बार फिर से रिकॉल कर ले हम लोग, डिमांड डिपॉजिट होगा, टाइम डिपॉजिट होगा, ओवरसीज बोरोइंग होगा, फॉरेन आउटवार्ड रिमिटेंस इन ट्रांजिट होगा। चलिए, ये तो था हमारा DTL का कॉन्स्टिट्यूएंट। अब देखते हैं किन किन चीज़ों को एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है, हमारे DTL में से किन किन चीज़ों को एग्जेम्प्ट किया गया, आइए इसे देखें हम लोग। तो देखिए, कैपिटल, रिजर्व्स और सरप्लस, ये सब के सब एग्जम्पशन है हमारे। फिर जो नाबार्ड, SIDBI, NHB और RBI, ये सब जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, इन ये जो रीफाइनेंस करते हैं दोस्तों, जो भी रीफाइनेंस है वो DTL से एग्जेम्प्ट किया गया है। उसके बाद नेट इंटर बैंक बोरोइंग, फिर जो CCIL में ट्रांजेक्शन। दोस्तों, CCIL क्या होता है, CCIL का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा है CCIL होता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेट इंटर बैंक बोरोइंग, ट्रांजेक्शन इन CCIL एंड CVLO, यानी कोलेट्रलाइज बोरोइंग लैंडिंग रेट ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन। दोस्तों, CVLO के बारे में मैं पिछले लेसन में समझा चुका हूँ, आप लोग उस लेसन को जरूर देखें। तो बेसिकली ये 3 जो पार्ट्स हैं, इसे एग्जेम्प्ट किया गया है हमारे DTL से। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि DTL के कौन से कंपोनेंट हैं और कौन से कंपोनेंट नहीं हैं, तो बस इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे।
अब हम लोग अपने इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो कि है हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो दोस्तों हमको ये देखना है कि हमारा जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है वो किस किस मेथड के थ्रू होता है। तो सबसे पहला है हमारा RTGS, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें जो पेमेंट सिस्टम है वो पेमेंट सिस्टम फॉर इंटर बैंक ट्रांसफर विद मिनिमम 2 लाख। ऑब्वियसली बात है, आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें मिनिमम कितना है, अमाउंट 2 लाख है। और ये जो सिस्टम है वो कौन मैनेज करती है, IDBRT, ठीक है, जो कि हैदराबाद की एक इंस्टीट्यूशन है। और ये जो ये क्या करती है कि जितने भी बैंक्स हैं उसको सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट करती है। और वो सेंट्रल सर्वर कौन मेंटेन करता है, RBI मेंटेन करता है। हम बात कर रहे हैं IDBRT की, और जो कि हैदराबाद में इसका सेंटर है। और जो नेटवर्क है, जिस नेटवर्क पे ये ऑपरेट होती है, उसे हम लोग इन्फिनेट कहते हैं। इन्फिनेट का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। इन्फिनेट का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। चलिए, ये तो था हमारा RTGS का कॉन्सेप्ट, RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि है हमारा नेफ्ट। नेफ्ट का फुल फॉर्म है हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या है दोस्तों, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने RTGS में क्या देखा था कि 2 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन को हम लोग RTGS में कवर करेंगे, जबकि नेफ्ट में ऐसा कोई लिमिट है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली लो अमाउंट ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनके लिए हम लोग नेफ्ट को यूज करते हैं। अच्छा, इसका कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट है नहीं। अब देखिए, ये सभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, बेसिकली इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बस पता होना चाहिए आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, अब देखिए एक और पॉइंट है नेफ्ट से रिलेटेड, वो ये है कि नेफ्ट पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड फॉर कस्टमर फ्रॉम 8 AM टू 7 PM, प्रत्येक दिन 8 बजे से 7 बजे तक शाम तक ये ऑपरेट होता है नेफ्ट पेमेंट सिस्टम। लेकिन इसका कब कब नहीं होता है, तो सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को नहीं होता है, क्योंकि बैंक उस दिन बंद रहती है। तो दोस्तों ये था नेफ्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा जो हमारा पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है वो है NDS, यानी कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। आइए इसे समझते हैं क्या है। तो दोस्तों ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं और परचेज करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। तो किस बेसिस पे होता है, ये ऑक्शन होता है, नीलामी होती है, ठीक है, और ट्रेडिंग की जाती है इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि ऑनलाइन की जाती है। और इसमें कौन कौन से कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन मेंबर होते हैं, बैंक हुए, PDs हुए, इंश्योरेंस हुए, म्यूचुअल फंड्स हुए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुए, ये सब इसके मेंबर्स हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, NDS कहते हैं शॉर्ट में इसे। चौथा जो हमारा पेमेंट सिस्टम है वो है FX क्लियर। क्या है दोस्तों, FX क्लियर, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये एक फॉरेक्स डीलिंग सिस्टम है। ये देखिए, FX यानी कि फॉरेक्स, मतलब कि दूसरे कंट्री से डील करता है ये। और ये किसने डेवलप किया है, CCIL ने डेवलप किया है। CCIL क्या है दोस्तों, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली एक डीलिंग सिस्टम है जो कि फॉरेक्स डिफरेंट कंट्रीज के बीच में डील करता है, और ये किसने डेवलप किया है, CCIL ने। CCIL यानी कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली CCIL करती क्या है कि CCIL प्रोवाइड्स स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। अच्छा, STP, याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, STP का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। तो बेसिकली एक समझिए कि आप ऐसे समझिए कि CCIL एक तरह का इंटरमीडिएटरी है, मतलब डिफरेंट बैंक्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में जो बैंक है उनका अपना अपना करेंसीज होगा। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक है US की, तो वहाँ US डॉलर करेंसी है, और एक भारत की बैंक है INR है, तो उसके बीच में जो CCIL इंटरमीडिएटरी का काम करती है, ठीक है, उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा USD या INR में, वो इसके थ्रू होगा, CCIL के थ्रू होगा, और जो भी सेटलमेंट होगा वो इंडियन रुपीज़ में होगा। तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, FX क्लियर सिस्टम कहते हैं। तो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि FX क्लियर कौन मेंटेन करता है, CCIL मेंटेन करता है। चलिए, अब हम लोग अपने लास्ट पॉइंट को देखते हैं, जो कि है हमारा NSDL और CDSL। NSDL क्या होता है दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्या है दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसे हम लोग NSDL कहते हैं। और CDSL क्या होता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, CDSL कहते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है, ये भी एक सेटलमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब किस चीज़ के लिए है ये, तो शेयर के लिए है, ठीक है दोस्तों, किसके लिए है ये, शेयर के लिए, शेयर मार्केट के लिए, और भी डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के लिए, जो कि सेकेंडरी मार्केट में होता है, प्राइमरी मार्केट में नहीं, ठीक है। और जो डीमैट अकाउंट होता है वो ही इसी के द्वारा मेंटेन किया जाता है, इसके द्वारा NSDL और CDSL के द्वारा। तो दोस्तों ये था सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि हमारा फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट रिलेटेड था। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप एक लिंक देखेंगे, जो कि बेसिकली फेसबुक अकाउंट का लिंक है, इससे आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।